जी सर, तनख्वाह मिला कि नहीं इस महीने का? मिल गया सर, एकदम टाइम पे मिल गया। फिर तो पिछले महीने का नहीं मिला होगा। अरे नहीं सर, वो भी टाइम पे मिल गया था। जब टाइम पे तनख्वाह मिल जाता है तो टाइम पे क्लास भी ले लिया करो। टाइम पे? अरे हम तो टाइम से 5 मिनट पहले क्लास पहुंच जाते हैं। शर्म तो आ नहीं रहा होगा झूठ बोलते हुए? झूठ क्या बोल रहे? बच्चे शिकायत करके गया कि गुप्ता जी का क्लास हर रोज खाली जाता है। सर बच्चे होते बड़े बदतमीज, एक तरफ खुद क्लास में नहीं आते और दूसरी तरफ ये शिकायत करके जाते। बदतमीज बच्चे नहीं तुम हो, हम जानते नहीं का क्लास लेने का टाइम हुआ कि नहीं। कैंटीन के बाहर जाके बैठ जाते हो। बाहर नहीं बैठते, अंदर बैठते। पर बैठते तो हो ना, ये नहीं कि क्लास ले ले जाके। इतनी गर्मी में कौन क्लास में जाके सड़क बताओ, मैं फैन चलता है कुछ। सर आप ऐसे लगवा दीजिए क्लास में, ससुरा गर्मी बहुत लगती है। नहीं कहो तो बिस्तर भी लगा देते तुम्हें ये, और कहो तो थिएटर भी लगा देते। अरे वाह, ये तो बड़ा मस्त आइडिया सर, मजा आएगा नहीं? अभी स्कूल से निकाल देंगे तो और भी मजा आएगा। अरे जब क्लास में जाते हो तब तो मुझसे आवाज नहीं निकलती तुम्हें, बिना पढ़ाई चले आते हो। अरे सर हम तो चाहते हैं पढ़ाना, लेकिन सिलेबस इतना टफ है कि ससुरा कुछ समझ में नहीं आता हमको। बेटा तुमको IIT का क्लास लेने नहीं भेजते जो टफ टफ चिल्ला रहे हो। दूसरी कक्षा को पढ़ा नहीं पाते हो टीचरों के, पता नहीं ऐसे आदमी को नौकरी कैसे मिल जाती है। सब बेकार है, है? सब बेकार है, एक हम ही है जो शिक्षक कहने लायक है ना सर। बेटा तुम तो सबसे बड़े काम चोर हो। क्या है, स्कूल का नहीं आया कल? वो पेट खराब था। पेट तो परसों भी खराब था ना? नहीं, परसों पेट में दर्द था। स्कूल ना आने बहाना चाहिए हर रोज। है? कुछ कहेगा? कह रहे आज कुछ दर्द नहीं हो रहा तुमका? वो आज तेरा खोपड़ी दर्द कर रहा। कहो तो खोपड़ी की मालिश कर दे तुम्हारा। है देव? ये गीता उठा का खोपड़ी फोड़ देंगे तो सारा दर्द निकल जाए तुम्हारा। हमको तो सारा ही नहीं समझ आ रहा, जब स्कूल नहीं आना तो नौकरी का लेते हो तनखा। वाह भाई वाह, स्कूल आने को जरूरत है ये नहीं, बस पूरा महीने घर में बिताओ और तनखा लेके जाओ। कहीं आप नहीं लेते का? सर अंदर आए? अरे अंदर तो आए गए, कह रहे चाय लेके आए पी लीजिए नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हमको चाय नहीं पीनी है, जाओ जाके कॉफी लेके आओ। कृपया आपके जानकारी के लिए बता दे कि हम स्कूल के स्टाफ हैं, आपके पिताजी के पर्सनल नौकर नहीं है, इसलिए जो मिला वो पी लीजिए, धन्यवाद। और ज्यादा ऑर्डर करने से गालियां भी मिल सकती है, धन्यवाद। और ऐसे हमारी तरफ देखने से मार भी पड़ सकती है, धन्यवाद। और ऐसे खड़े होने से मैं आज